पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। अथ सप्तमो अध्याय। श्री भगवान उवाच। मैया सक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ, मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको तुम उसी प्रकार से सुनो। जैसा पिछले दिन में हम लोग बात कर रहे थे, सातवां अध्याय एक नया टॉपिक शुरू होता है। छठे अध्याय तक आपने जीव के बारे में सुना। जीव के बारे में भगवान ने जो बातें की, कर्म, कर्म का फल, जीव की गति, जीव का स्वरूप, क्योंकि जीव के बारे में भी हमारे पास में बहुत प्रकार के भ्रम, उन भ्रमों को दूर करके भगवान ने जीव का स्वरूप इतने अध्यायों में बताया। यदि हमने ठीक से उसको श्रवण किया है, ठीक से समझा है, तो एक चीज साफ हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए कि जीव का स्वरूप क्या है। अब जीव के स्वरूप की बात करने के बाद पीछे के अध्याय में भगवान ने बोला, अर्जुन जो मुझ में मदगत है, जिनका मन मुझ में लगा हुआ है, तो अब क्वेश्चन ये होगा कि भगवान किसकी बात कर रहे हैं। मदगतेन अंतरात्मना, जिसका अंतर मन मुझ में लगा हुआ है वह सबसे श्रेष्ठ योगी है। जब भगवान कहते हैं मद मद मेरा, ये मेरा क्या है, ये भगवान किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जीव के बारे में समझा था, अब यहां से लेकर के आपको वो समझना पड़ेगा परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में। ईश्वर के बारे में भी बहुत प्रकार की धारणाएं हैं, बहुत प्रकार के नोशन हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कैसे कैसे हमारे मन में बन गए और ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसी चीजें मन में आई हैं कि बहुत से लोग कहेंगे हम ईश्वर मानते हैं, बहुत से लोग बोलेंगे नहीं मानते। डिबेट की जाएगी, बहस होगी, परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। अब वो जो दूसरा पार्ट है तत्त्वमसि का,
या ईश्वर का इस अध्याय से उसको प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक इसी टॉपिक पर भगवान अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड लेकर के इस बात को एक्सप्लेन करेंगे ईश्वर क्या है। मैं आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदास। हे अर्जुन अब तुम मुझसे सुनो। भगवान ने अपनी तरफ करुणा करके, करुणा इसी को बोलते हैं, अर्जुन का सवाल था नहीं, लेकिन ईश्वर अपने आप को बताने की कोशिश करता है कि मुझे देखो, मुझे समझो। और ईश्वर को ईश्वर से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं बता सकता। ईश्वर को ईश्वर से ज्यादा अच्छा कौन बताए। भगवान दो चीज कहते हैं, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया। दो चीजें हैं भगवान कहते हैं यहां पर, जिसका मन मुझ में लगा है। ये बहुत नंबर है, मय्यासक्त मना बहुवचन है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मन मुझ में लगा हुआ है और जो मेरे आश्रित है। तो दो बातों को समझना पड़ेगा, एक तो जिसमें आपका मन लगा हो और एक जिसके आप आश्रित होते हैं। तो दो चीजें आप समझिए, जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन में आपका मन लगता है और पैसे का आप आश्रित होते हैं, आपका आश्रय, आपका सहारा, आपका सपोर्ट क्या है? पैसा, संपत्ति, प्रॉपर्टी। लेकिन कोई प्रॉपर्टी खाके थोड़ी पेट भरेगा। जिनका मन मुझ में लगा हुआ है और सपोर्ट भी जिनका मैं ही हूं, तो दो क्वालिटी जिनके अंदर में है, मैं आसक्त मना पार्थ, हे पार्थ, जिनका मन भी मुझ में लगा है और जो मेरे आश्रित भी है, जिनके लिए धन भी मैं हूं, भोजन भी मैं हूं, जिसके लिए सब कुछ मैं ही हूं। और ये सब जानने के बाद, ये सब समझने के बाद योगम युंजन, इस योग के अभ्यास को करता हुआ है। परमात्मा ही उसका सहारा भी है, परमात्मा में जिसका मन लगा है, और इसके साथ में ही अर्जुन वो इस योग का अभ्यास भी करता। कई बार लोग एक मन में ऐसी चीज आ जाती है, हमको क्यों करना कुछ, हम तो बस भगवान के सहारे हैं, ईश्वर के सहारे हैं, तो ईश्वर अपने आप देखेगा। ये सरेंडर इतना कई बार सही नहीं होता है। मन बहुत तरीके ढूंढता है भागने के, तो इस प्रकार का कोई एक्सक्यूज सामने ना आ जाए, कोई बहाना सामने न आ जाए, भगवान कहते नहीं, जिसके अंदर मेरा आश्रय भी जी रखा है, जिनका मन भी मुझ में लगा हुआ है, लेकिन योग का अभ्यास भी करते हैं, ऐसे जो लोग हैं, ये अर्जुन यथा ज्ञासस इमाम, जैसा मुझे जानेंगे। ईश्वर को सब जानते हैं, कोई ना की तरह जानता, कोई हाँ की तरह जानता, कोई बोलेगा मैं ईश्वर नहीं मानता, कोई बोलेगा मानता, कहीं स्वर्ग में ईश्वर रहता है, कहीं अमुक लोक में रहता है, कहीं हार्ट में रहता है। सब लोगों के अपने अपने कॉन्सेप्ट है। ये सब कॉन्सेप्ट कैसे कैसे आ गए हैं वो भी कोई बात नहीं पता, कहीं किताब में पढ़ लिया, किसी ने बता दिया, कहीं सुन लिया। भगवान के तो अब तीन क्वालिटी जिसके अंदर में है, जिसका मन मुझ में आ सकता है, जो मेरे आश्रित भी है, और साथ में इस योग का अभ्यास भी कर रहा है, ऐसा व्यक्ति मुझे बिना किसी संदेह के जानेगा। और जानेगा क्या, जो मैं हूं और जैसा मैं हूं वैसा जानेगा। अभी हम कैसा जानते, जैसा हमारा मन बता देता है।
अभी हम कैसा बता दे, जैसे इंफॉर्मेशन हमको इकट्ठी हुई है, हमारा मन एक इमेज क्रिएट कर देता है, हमारा मन परमात्मा की छवि हमारे अंदर डाल देता है। वो नकारात्मक हो सकती है, सकारात्मक हो सकती है, वो मन के द्वारा दी गई तस्वीर। लेकिन हे अर्जुन, ये योगी जैसा मैं हूं वैसा मुझे जानेगा, अपने मन की इमेज से नहीं मेरी रियलिटी को समझेगा। हे अर्जुन, इसको तुम सुनो। तो चीज सुनना, भगवान एक आकर्षित करते हैं। भगवान अर्जुन को अपने सुनने का महत्व बता रहे हैं। ये चीजें केवल ऐसा नहीं कुछ भी आया सुन लिया, सावधानी है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, नहीं। इसीलिए संस्कृत का जो शब्द श्रवण है वो महत्वपूर्ण है। इसको सुनने के लिए अर्जुन केवल तुम्हारा सारा का सारा व्यक्तित्व कान के साथ में लग जाना चाहिए। आपका पूरा का पूरा प्रेजेंस कान के साथ चला जाए, आप केवल सुन रहे हो। अर्जुन, इस बात को आप ठीक से सुनो। अगला मंत्र देखिए, ज्ञानम तेहम सविज्ञान मिदम वक्षाम्यशेषता यद् ज्ञात्वा नेय भूयोन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यत्। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम्हारे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य कुछ अन्य शेष नहीं रहेगा। भगवान का आप प्रोमिस देखो। अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन अब मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूं, ज्ञान ज्ञान इदम ज्ञानम बक्षामि, अब मैं तुम्हें ये ज्ञान बताने जा रहा हूं। और ये ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है, दो शब्द यहां पर भगवान ने दिए, ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान का अर्थ साइंस नहीं है, विज्ञान का अर्थ हुआ है कि जब कोई हमने सुना पढ़ा कहीं से मालूम पड़ा, वो ज्ञान होता है, नॉलेज इंफॉर्मेशन। तो जहां कहीं से भी कुछ भी कलेक्ट हुआ, कुछ भी चीजें मिली, वो सब ज्ञान हुआ। मुझे इसका ज्ञान है, मुझे इसका ज्ञान है। वह ज्ञान जब आपके जीवन में प्रैक्टिकल हो जाता है तब वो विज्ञान बन जाता है। संस्कृत का एक शब्द है विशिष्ट ज्ञान। जब ज्ञान को आप समझ लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, अब वो जो ज्ञान है बिना किसी संदेह के होता है। एक तो आपने कहीं पढ़ा हिमालय के बारे में, किसी ने आपको बताया, एक आप चले गए, बस इतनी फर्क है। ज्ञान तो पहले भी था, पहले भी आपको बताया गया था, अब आपने जाके अपने आप देख लिया। भगवान कहते हैं अर्जुन, अब मैं तुम्हें ज्ञान के विज्ञान के साथ ज्ञान बताऊंगा। केवल ज्ञान नहीं, उपदेश नहीं, इस उपदेश के अंदर में तुम अनुभव कर सकते हो। इसको मैं अशेषता पूरी तरह से संपूर्ण रूप से मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, इसलिए तुम ठीक से सुनना। तो मैं जो ज्ञान का उपदेश देने जा रहा हूं, कहीं यहाँ जो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान है गीता पर, उन्होंने कुछ ऐसा भी लिखा है कहीं, यहाँ पर ज्ञान का अर्थ परमात्मा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म का नाम भी ज्ञान है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा पढ़ा, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, सत चिद आनंद, चिद कॉन्शियसनेस नॉलेज।
तो ब्रह्म भी ज्ञान है। यहां भगवान ऐसा कह रहे हैं, अर्जुन मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं, ब्रह्म का ज्ञान उपदेश दे रहा हूं, आत्मा का बता रहा हूं उपदेश, लेकिन केवल उपदेश नहीं, मैं इसको विज्ञान के साथ बताने जा रहा हूं तुम्हें। तभी ज्ञानम, मैं तुम्हें केवल ज्ञान ब्रह्म का उपदेश देने नहीं जा रहा हूं, मैं ब्रह्म का तुम्हें रियलाइजेशन कराने जा रहा हूं, एक्सपीरियंस कराने जा रहा हूं। तो अहम ते ज्ञानम वक्षामि, मैं तुम्हें ज्ञान ब्रह्म को बताने जा रहा हूं, और कैसा, विज्ञान के साथ विद रियलाइजेशन। और इसको जानने के बाद यद ज्ञात्वा, इसको जानने के बाद, जैसा कि उपनिषदों में आपने पढ़ा है कि कुछ जानने को बचता नहीं है, यद ज्ञात्वा भूयो अन्यत न अवशिष्यत। यह हमारी टेंडेंसी है, हमारा नेचर है, बचपन से लेके मृत्यु पर्यंत हम जानने की कोशिश चालू रखते हैं। टॉपिक बदल जाएंगे उम्र के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, शरीर की क्षमता के हिसाब से, लेकिन जानने की प्रक्रिया हमारी खत्म नहीं होती है। क्यूरियोसिटी वो निरंतर हमारे साथ रहती। बचपन में थे, पेरेंट्स को पूछते थे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कई चीजों का मतलब होता था, कईयों का नहीं होता था, लेकिन फिर भी पूछते थे। ऐसा नहीं कि बड़े होने के बाद क्यूरियोसिटी खत्म हो गई, थोड़े तरीके बदल गए, टॉपिक बदल गए, क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हुई। हमेशा जानने की इच्छा है क्या है ये कब खत्म होती है, ये इच्छा कब खत्म होगी। इस सारा संसार भी जान ले जाए तो भी इच्छा खत्म नहीं होती। साइंस पहले धरती में कोशिश करती रही जानने की, फिर मून के ऊपर, फिर मार्स, ऐसे तो अनंत अनंत ग्रह हैं, युगों युगों बीत जाएंगे, जानने की न इच्छा खत्म होगी, जानने के न पदार्थ खत्म होंगे। भगवान कहते हैं यदि तुमने इसको जान लिया जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ज्ञान, इसको जान लिया, फिर तुम्हारे अंदर जानने की सारी इच्छा खत्म हो जाएगी, तुम जान जाओगे, अर्थात सब कुछ जान जाओगे, कुछ जानने को बचेगा नहीं। ज्ञान का एक स्वभाव है, एक चीज आप एक बार जानते हो दोबारा नहीं जानते, एक पदार्थ को केवल एक ही बार जाना जा सकता है, दोबारा नहीं। आपने जान लिया ये गुलाब का फूल है, आपको ज्ञान हो गया, बात खत्म हो गई, आप दोबारा नहीं जान सकते गुलाब का फूल है, है? जान लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन दूसरे तरह की इंक्वायरी आप शुरू कर सकते हो, बड़ा सुंदर है, किसे लगाया, फूल कब आते हैं, और इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक ज्ञान खत्म हो गया, एक गुलाब का फूल, दैट्स ऑल। अब वो ज्ञान दोबारा पैदा नहीं होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे ज्ञान की इंक्वायरी हम करते रहेंगे अनंत काल तक। उपनिषद कहते हैं ये काम कब खत्म होगा, एकेन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं भवति। ये क्यूरियोसिटी, ये जिज्ञासा, ये जानने की इच्छा केवल एक ही परिस्थिति में खत्म होगी, जब आप उस एक को जान लो। उसी की बात भगवान यहां कर रहे हैं।
ज्ञातव्यम ना अवशिष्यते, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं बचेगा कि ये मुझे जानना था, जान लिया। इसलिए अर्जुन मैं तुम्हें जिस ज्ञान की बात कह रहा हूं वो ज्ञान बहुत ठीक से सुनना, अच्छी तरह से सुनना। हम लोग निगेटिव चीजों को बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, निगेटिव को, लेकिन भगवान यह बात करते हैं ज्ञान की। हमारा माइंड अपने आप निगेटिव चीजों की तरफ चला जाता है। बात करें यदि प्रवचन की तो ठीक है सुनेंगे, लेकिन इतने अटेंटिव नहीं होते। जब किसी की निंदा की जाए माइंड पूरी तरह अलर्ट हो जाता, कहना नहीं पड़ता जरा ध्यान से सुनो, वो कहे जरा ठीक से बोलो, अच्छी तरह और बढ़िया से बताओ, फिर क्या हुआ। भगवान अर्जुन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्जुन सुनना ठीक से सुनना, ये इतना भगवान अर्जुन को आकर्षित करते हैं। अब अगला मंत्र देखिए, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्त्वतः। अर्थ देखिए, हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि अर्थात कल्याण के लिए प्रयत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। अर्थ फिर समझना, ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है, हजारों मनुष्यों में कोई एक है जो सिद्धि के लिए अर्थात परमात्मा के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, और उनमें कोशिश करने वालों में से जो सफल होते हैं उनमें से कोई एक मुझे जानता है। अर्जुन का सवाल था, जिस ज्ञान की आप बात करते हैं यदि ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था तो लोग जानते क्यों नहीं इसको। हम सब चीजों को जानने की कोशिश करते हैं और असफल, हम सब पदार्थों को जानने की कोशिश करते हैं, अपने आप से, यंत्रों से, मंत्रों से, हर तरीका अपनाते हैं, लेकिन कोई सफल नहीं होता है। तो क्यों नहीं इसको जानने की कोशिश करते हैं सब लोग। तो भगवान ये मंत्र पढ़ते हैं, और ये बात आपने बहुत बार अलग अलग तरीके से सुनी होगी, मनुष्याणाम सहस्त्रेशु कश्चित यतति सिद्ध है। ओ अर्जुन, हजारों हजारों मनुष्यों में, संस्कृत में जो हजार शब्द है ना उसका अर्थ थाउजेंड नहीं है, अनलिमिटेड, उसका मीनिंग है लिमिटलेस। इसलिए वेदों में लिखा सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, भगवान के हजार हाथ हैं। तो हजार का मतलब ऐसा नहीं है कि 9000 1000 8000, ऐसा नहीं, 1000 मतलब नहीं है, हजार मतलब अनलिमिटेड, हजारों हाथ हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, मनुष्याणाम सहस्रेशु, हजारों हजारों मनुष्यों में, मनुष्यों को ही भगवान यहां बात कर रहे, देवताओं की नहीं, एनिमल्स की नहीं, पशु पक्षियों की नहीं, राक्षसों की नहीं, मनुष्य ही एक ऐसी स्थिति है, मनुष्य एक ऐसी कंडीशन है जिससे उम्मीद की जाती है यह इस रास्ते पर चल लेगा और चलना चाहिए। तो मनुष्य का होना एक ही संभावना है, मनुष्य होने का अर्थ है यह कंडीशन वो है कि जहां से इस अध्यात्म के रास्ते पर चला जा सकता। ब्रह्मा जी की एक बार सभा में बहुत सारे पशु पक्षी मनुष्य राक्षस देवता मनुष्य सब पहुंचे थे,
कंप्लेन थी। शास्त्र कहते हैं मनुष्य होना बड़ा कठिन काम है, बड़ा दुर्लभ। देवता होना कठिन काम नहीं है, थोड़ा पुण्य करो हो जाओगे, थोड़े पाप करो पशु बन जाना, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी। तो इतना महत्व क्यों दिया गया ब्रह्मा जी को? अलग अलग जानवरों ने अपनी अपनी क्वालिटी बताई। शेर ने बोला मेरे अंदर ऐसी ताकत है, बंदर ने कहा मेरे अंदर ऐसी चंचलता है, कुत्ते ने भी कहा मेरे अंदर सूंघने की क्षमता है, चीत ने बोला मेरे अंदर देखने की कैपेसिटी, बहुत दूर तक देख सकता हूं, कछुआ ने कहा बहुत लंबी जिंदगी में जी सकता हूं, कोयल ने कहा मेरी आवाज बहुत सुंदर है। हर एक जानवर ने पक्षी ने अपनी जो क्वालिटी थी मनुष्यों से ज्यादा अच्छी बताई, जो उनकी स्पेशलिटी मनुष्यों के पास नहीं। मनुष्य सुनते सुनते परेशान हो गया, उसने कहा चलो फिर सबसे ज्यादा बेवकूफ मैं हूं। गधा के खड़ा हो गया, बोले नहीं नहीं वो भी मैं हूं। तुम गधे हो क्या? मैं गधा हूं ना, वो तुम सबसे बेवकूफ भी नहीं हो, तुम सबसे समझदार भी नहीं हो, सबसे तुम कहीं पर भी नहीं हो, फिर भी कहा जाए कि मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सौभाग्य वाली स्थिति है। ब्रह्मा जी ने कहा बस एक ही कारण है, इसमें कुछ भी नहीं है, न शेर जैसी शक्ति है, स्फूर्ति बंदर जैसी है, न दृष्टि अच्छी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, कुछ भी नहीं इसके अंदर, केवल एक है। ये एक ऐसी संभावना है जहां से यह अनंत को प्राप्त कर सकता है। वो न कुत्ता प्राप्त करेगा, न गधा करेगा, न शेर करेगा, न गीत करेगा, न देवता करेंगे। मनुष्य एक ऐसी संभावना है, और इसीलिए ज्यादा अच्छा है सबसे। इसकी आवाज भले इतनी अच्छी कोयल जैसी ना हो, लेकिन जब कोई भक्ति से भाव पूर्वक भजन गाए, बस कोयल की, लाखों कोयल की आवाज से ज्यादा अच्छी आवाज इसकी हो जाएगी। एक ही संभावना है मनुष्य के साथ इस यात्रा को पूरा करना। लेकिन बहुत से लोग भगवान कहते हैं मनुष्य होने के बाद में भी मनुष्य नहीं होते, शरीर मनुष्य का जरूर मिला, आकार मनुष्य का है, लेकिन अभी भी संस्कार जानवरों के हैं। अब न तो जानवर है, क्योंकि जानवर भी नहीं, लेकिन मनुष्य भी नहीं है। तो मनुष्य की जो स्थिति थी, भगवान कहते तो उसमें हजारों हजारों मनुष्यों में से बहुत बड़ी भीड़ होगी। और इस बहुत, क्योंकि ये जो यात्रा है ये आपकी स्वेच्छा है, आपके अपने संस्कार होंगे। कश्चित यतति सिद्ध है, कोई 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 इस रास्ते में चलेगा, सिद्ध है परफेक्शन के लिए। यहां सिद्धि का अर्थ वो सिद्धि नहीं, आप समझना कि जो अणिमा महिमा गरिमा लघिमा, छोटा हो जाना बड़ा हो जाना, ये देख लेना वो बता देना, वो सिद्धि की बात नहीं।
सिद्ध है मतलब परमात्मा, सिद्धि का अर्थ परमात्मा, परम गति। तो कभी इन हजारों हजारों में से किसी के अंदर ये संस्कार आए, किसी के अंदर ये बात आए, कश्चित यतति सिद्ध है, नहीं मुझे इस रास्ते पर चलना है। तो इस रास्ते पर कोई कोई चलता है हजारों लाखों लाखों की भीड़ में, ये बात भगवान द्वापर में कह रहे थे। कलयुग की बात छोड़ो, क्या जितना क्राउड है अध्यात्म के रास्ते में, लोग कितने, और अध्यात्म को भी लोगों ने प्रोफेशन बना लिया, अजीब लोग, एक धंधा हो गया, बिजनेस हो गया, अध्यात्म को भी संसार बना दिया। हजारों हजारों में भगवान कहते हैं अर्जुन कश्चित यतति, कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो संसार से ऊपर उठ के सोचता है। जो हजारों, आप लोग जो हैं हजारों में हैं, हजारों हजारों लोगों के आप प्रतिनिधि हैं, मैं नहीं, गीता कह रही, भगवान कह रहे, भगवान क्यों झूठ बोलेगा, मैं तो कभी कभी थोड़ा बोल देता हूं। हजारों हजारों में से आप थोड़े गिने चुने लोग, आपके जैसे लोग, क्यों, क्या मिलने वाला है, लेकिन आपको ऐसा मालूम है कि ये रास्ता मुझे चलना है, ये थॉट, ये विचार, ये रास्ते की शुरुआत करना, इसके लिए जैसा भगवान ने पीछे कहा था, बहुत से जन्मों का आपका इन्वेस्टमेंट है, बहुत से जन्मों का आपका किया हुआ काम है, जो आप यहाँ पर आके इस थॉट को अपने माइंड को दे पाए, मुझे रास्ते पर चलना है। कश्चित यतति सिद्ध है, ठीक है। उसके बाद यततम अपि सिद्धानाम, बहुत से लोग तो थोड़े दिन चले, उसके बाद ये बंद कर दिया, बोले बहुत काम आ गया, ये क्या, थोड़े 5-10 दिन सुना, 2-4 क्लास में गए, 2-4 जगह ये किया वो किया, उसके बोले इनफ इज इनफ, बहुत से काम और भी तो करना है, दुनिया में कामों की कमी है क्या। तो थोड़ा स्टार्ट किया और उसके बाद में छूट गया, फिर 2-4 महीने बाद फिर थोड़ा ट्राई किया, फिर 2-4 महीने बाद बोले चलो जरा देखें अब क्या चल रहा है, फिर छूट गया, फिर छोड़ दिया। रास्ते पर चलते हैं लेकिन इतनी इंटेंसिटी नहीं है, सफलता भी नहीं। भगवान उनको कहते छोड़ दो, इनकी बात छोड़ो, हम बात उनकी करते, यततम अपि सिद्धानाम। इसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एक प्रक्रिया चालू रखी और सफलताएं मिलने लग गई, यततम अपि सिद्धानाम, उनको अपने जीवन में सफलताएं भी मिलने लग गई। इस अध्यात्म के रास्ते में अभी तक कुछ नहीं दिखता था, केवल अंधेरा, अब थोड़े एक्सपीरियंस होने लग गए, थोड़ी क्लियरिटी होने लग गई, ईश्वर की कृपा मालूम पड़ने लगी, ईश्वर का अस्तित्व मालूम पड़ने लग गया। अब रास्ते पर और अपने ऊपर, अपनी साधना पर और विश्वास आ गया, अध्यात्म में कुछ सिद्धियां भी प्राप्त होने लग गई। यततम अपि सिद्धानाम, फिर यहां पर आने के बाद बहुत से लोग यहीं आके रुक जाते, भगवान कहते स्वर्ग लोग मिल गया, वैकुंठ मिल गया, ब्रह्मलोक मिल गया, अध्यात्म ये संसार से ऊपर तो उठा हो, सफल भी हुआ, लेकिन जो दूसरा संसार था वो दूसरे संसार में फिर एक बार फंस गया, यहीं तक खुशी है। पहले इस संसार में खुश था, अब थोड़ा साधना की और सफल भी हुआ, तो यम नियम आसन या यज्ञ आदि बहुत से पुण्य कर्म करके इस रास्ते में चल करके अनंत लोकों को प्राप्त करता है, यहां जाके खुश हो जाता है।
यहां भी काफी समय लग सकता है। भगवान कहते हैं कश्चिन माम वेति तत्वतः, और कुछ ऐसे लोग होते उनमें से जो रेयर होते हैं वो अब बोले मुझे इसमें भी इंटरेस्ट नहीं, मैं जिसलिए चला था मुझे तो वो जानना है, मैं जिसलिए निकला था मेरा जो उद्देश्य था वो जानना है। और यही अर्जुन वे लोग मुझे तत्वता, तत्वता मतलब जैसा मैं हूं, उसका अपना कॉन्सेप्ट नहीं, उनके अपने विचार से परमात्मा नहीं। मैं समझता हूं भगवान ऐसा है, हमारी समझ से भगवान थोड़ी बदलेगा। मैं समझता हूं ये भगवान बड़ा है, मैं समझता हूं भगवान छोटा है, हमारी समझ से रियलिटी थोड़ी चेंज होती है। दर्शन शास्त्र का नियम है कि ज्ञान हमेशा ही पदार्थ के अनुसार होता है, पदार्थ ज्ञान के अनुसार नहीं होता। सामने जो ऑब्जेक्ट है यदि मैंने उसको गलत समझ लिया, ऑब्जेक्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो पदार्थ के हिसाब से ज्ञान आपने जाना तो सही है, सामने में कुर्सी पड़ी है मैं इसको कुर्सी जानू, रियल नॉलेज। यदि मैं कुछ और जान लू उसको अंधेरे में, पदार्थ नहीं चले मेरा ज्ञान बदल गलत है। तो ज्ञान के कारण पदार्थ नहीं बदलता है, पदार्थों के हिसाब से ज्ञान को चलना पड़ता है। तो ईश्वर जैसा है भगवान कहते, वे लोग वैसा समझते हैं मुझे जैसा मैं हूं, ये नहीं कि मैं ऐसा समझता हूं भगवान को, मैं वैसा समझता हूं भगवान को। तो हमारे समझने से जब एक सामान्य पदार्थ नहीं बदलता है, परमात्मा कैसे बदलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं हे अर्जुन, बहुत कम वे लोग होते हैं भगवान उनकी वेट करते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मुझे जैसा मैं हूं वैसा जानते हैं, नहीं तो सब जानते हैं। कोई सद रूप में, कोई असद रूप में, अलग अलग कॉन्सेप्ट डाल के ईश्वर को तो सभी मानते हैं, लेकिन अपने अपने कॉन्सेप्ट से। भगवान कहते अर्जुन मैं जैसा हूं, यदि कोई मुझे वैसा ही जाने, इसके लिए बहुत रेयर लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। अब अगला मंत्र देखिए, भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। अर्थ देखो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, पृथ्वी जल तेज वायु ये पांच महाभूत मन बुद्धि और अहंकार, यह इस प्रकार आठ वेदों वाली है मेरी प्रकृति। अब जिस ज्ञान की बात भगवान कह रहे थे वो ज्ञान भगवान ने अब शुरू किया कहना, जिस ज्ञान की बात कर रहे थे अब वो ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा था पता नहीं भगवान कौन सी ऐसी बात बताएंगे, लेकिन भगवान ने तो बहुत सामान्य तरीके से बात को शुरू किया। हे अर्जुन, मैं तुम्हें जिस ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं विज्ञान के साथ दे रहा हूं, विज्ञान के साथ। भगवान अपनी बात ज्ञान विज्ञान की कर रहे थे, अब उस ज्ञान विज्ञान की बात भगवान कहां शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं भूमि रापो नलो वायु, हे अर्जुन ये जो पांच महाभूत हैं पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये मेरी आठ प्रकार की प्रकृति है। आठ प्रकार की प्रकृति, जब प्रकृति की बात होती तो आप सांख्य शास्त्र को समझते हो,
यहां भगवान कहते मेरी प्रकृति, पहले मेरी प्रकृति को देखो, आठ प्रकार की, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। बात कुछ स्पेशल करने वाले थे भगवान? भगवान ने तो बहुत कॉमन बात कह दी। अब आप थोड़ा समझिए, भगवान कहते जो आठ चीजें हैं, यह मेरी प्रकृति है, ये मेरा नेचर है, ये मेरा एक्सप्रेशन है, ये मेरा मैनिफेस्टेशन है। अब कहां भगवान को देखने जाओगे? ब्रह्मरंध्र में, हृदय चक्र में, वैकुंठ में? थोड़ा कठिन है। भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति, मेरे एक्सप्रेशन को देखो। कि जो पृथ्वी है, कि जो पांच महाभूत है, ये मेरा एक्सप्रेशन है। अब यहां पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, भगवान पृथ्वी की बात जब करते हैं तो इस पृथ्वी की बात से नहीं कर रहे। आपके जीवन में संसार होने का मतलब क्या होता है? जब आप संसार को एक्सपीरियंस करते हो, जब आप संसार को एक्सपीरियंस करते हो, संसार को जानते हो, तो संसार है। यदि आप सो गए गहरी नींद में, वही संसार है। पृथ्वी भी थी वहां पर, सब कुछ है, लेकिन क्या है वहां? कुछ नहीं। आपके लिए धरती क्या होती है? धरती होती है, धरती का जो लक्षण है, आगे गीता भगवान बहुत क्लियरली इस चीजों को कहेंगे। धरती का मतलब होता है आपके नाक है, ये जो घ्राण इंद्रिय है, ये धरती के लिए बनी हुई, ये क्या करती? स्मेल लेती। तो धरती की क्वालिटी है स्मेल। इसको तन्मात्रा आप समझ सकते हो। तो पृथ्वी का होना आपके लिए क्या है? जितने प्रकार की आप गंध, सुगंध, दुर्गंध लेते हो, सब पृथ्वी का आप एक्सपीरियंस करते हो, वो पृथ्वी की अपनी क्वालिटी है, वो पृथ्वी। ऐसे ही आप जल को कैसे एक्सपीरियंस करते हो? जल का जो गुण है, आपकी जीव उससे जब आप एक्सपीरियंस करते हो, वो जल है। ऐसे ही आपकी जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, आप भगवान के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करना है यहां, कि पांच ज्ञान इंद्रियों से जिन चीजों का आप अनुभव करते हो, वही आपका संसार है। आपका संसार और कुछ नहीं है। किसी ग्रह उपग्रह में, किसी गैलेक्सी में कोई बहुत बड़ी धरती हो, कोई बहुत बड़ा कुछ, आपको क्या मतलब है? आपके लिए नहीं है। आपकी धरती, आपका संसार उतना ही है जिसको आप एक्सपीरियंस करते हो। तो आपकी धरती उतनी है जो आप एक्सपीरियंस करते हो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आकाश मतलब साउंड। तो ये जो पदार्थों, ये जो आपका अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है, यही आपका संसार है। ये बाहर का हो गया। अच्छा, अब अंदर का देखो, मनो बुद्धि रे वचा। तो ये बाहर से आप संसार का अनुभव करते हो, बाहरी जगत का अनुभव आपका इतना ही है, पांच तरह से, छठा कोई तरीका नहीं है। संसार में छठा कोई आकार प्रकार नहीं है, केवल पांच ही तरह का आपका संसार है। अंदर का देखो, मन, कोई नया मोबाइल मार्केट में आया, मन में संकल्प हुआ मुझे लेना है, ये संकल्प हुआ, मैं जानता हूं। बुद्धि है, आप डिसीजन लेते हो। और अहंकार, मैं करता हूं,
अहंकार का मतलब ईगोई वाली बात नहीं हो रही, ईगोई मतलब आई एम द डूअर, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। इस प्रकार से जो आपका अनुभव है यही आपका संसार है। दोनों तरह के अनुभव संसार भगवान ने ले लिए, भीतर का भी बाहर का भी। इससे ज्यादा संसार का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, इससे ज्यादा और कोई एग्जिस्टेंस नहीं है संसार का। भगवान कहते ये मेरी प्रकृति है। जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, भीतर कर रहे हो, अरे मेरी प्रकृति तो अनुभव कर रहे हो, पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में, अग्नि के रूप में, वायु के रूप में, मान बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब मेरी तो प्रकृति। इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा, ये मेरी आठ प्रकार की प्रकृति, पांच बाहर तीन भीतर। इससे ज्यादा अलग संसार आपका कहीं कुछ भी नहीं है। अब कितने भी साइंस डेवलप कर लो, कितने डिवाइस बना लो, कितने भी एडवांस हो जाओ, इन आठ को छोड़ करके हमारे जीवन में कोई और एक्सपीरियंस नहीं है। तो जितने भी एक्सपीरियंस होने के माध्यम है, भगवान कहते मेरी प्रकृति, मेरा ही एक्सप्रेशन है। अगला मंत्र भी देखिए, अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीव भूताम महाबाहो एदम धार्यते जगत। हे अर्जुन, ये जो मैंने तुम्हें प्रकृति बताई थी, अपरेयमितस्त्वन्याम, ये अपर और जो दूसरी मेरी प्रकृति है, परा प्रकृति को समझो, जो जीव भूत होकर के इस सारे संसार को धारण करती है। जब आप गीता के और आगे पढ़ते जाएंगे, ये सूत्र है भगवान के, जिसको भगवान क्लियर करेंगे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ करके आपको अगला एक चैप्टर मिलेगा 13वां, ये उसका सूत्र है। भगवान कहते हैं मेरी दो तरह की प्रकृति है, एक परा एक अपरा। अंग्रेजी का अपर अलग होता है, यहाँ का अलग होता है। यहाँ अपर का मतलब होता है नीचे, अपर का मतलब होता है ऊपर, पर का मतलब श्रेष्ठ, अपर का मतलब थोड़ा नीचे। तो आठ प्रकार की जो मैंने अपनी प्रकृति, मेरे जो एक्सप्रेशन बताए, मेरा जो मैनिफेस्टेशन है, मेरी जो अभिव्यक्ति है, आठ प्रकार की है। ये अर्जुन कैसी है? अपरा, अपर मतलब नीचे है थोड़ी, जिसको आप अनुभव करते हो, जो आपका एक्सपीरियंस होता है, ये अपर। अब तुमको मैं एक और अपनी प्रकृति बताता हूं, जो पर है अर्थात श्रेष्ठ है, और उस क्या है? जीव भूताम, जीव रूप से। जीव रूप से मतलब हर एक शरीर के अंदर, जैसे आप समझते हैं एक जीवात्मा रहता है, हर एक शरीर के अंदर एक जीवात्मा रहता है, वो जीव भूत हो गया। भूत का मतलब हो जाना है नहीं, लेकिन ऐसा हो गया। तो परमात्मा कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मेरी एक और प्रकृति है जिसका नाम परा प्रकृति है, और वो परा प्रकृति क्या है? जीव रूप से, जीव रूप से। एक मेरी प्रकृति जड़ है, जो आपको अभी बता दी, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, जड़ है, इनसेंसिएंट, अचेतन है। लेकिन मेरी जो परा प्रकृति है, उससे श्रेष्ठ जो मेरी प्रकृति है,
मेरा जो एक्सप्रेशन है, मेरा जो होना मालूम पड़ता है वह कैसा, जीव भूताम जीव रूप से। हर एक शरीर के अंदर में, हर एक शरीर के अंदर में मैं जीव रूप से निवास करता हूं, वो मेरा एक्सप्रेशन अलग। जीव भूत पृथ्वी की तरह, जल अग्नि वायु आकाश की तरह, वो भी मेरी प्रकृति है, लेकिन वो मेरी प्रकृति जड़ है। भगवान देखो अपने बारे में कैसा उपदेश कैसा दे रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे मैं बैकुंठ में बैठा हुआ हूं, इतने गण मेरी सेवा करते रहते हैं, ऐसा मैं रहता हूं, कभी कभी राक्षस लोग होते हैं उनको मारने के लिए आता हूं, वो बात बहुत दूर की। भगवान अपने को बता रहे कैसे, हे अर्जुन मेरी प्रकृति, मेरा एक्सप्रेशन देखो। हर एक शरीर के अंदर मैं जीव भूत होकर के रहता हूं, जीव जीवात्मा के रूप से, इंडिविजुअल सोल। हर एक शरीर के अंदर में फर्क क्या दोनों में, एदम धारयते जगत। अब आप जीव के स्वरूप को थोड़ा समझिए, जड़ के स्वरूप को तो हमने आसानी से समझ लिया, पृथ्वी जल जो हमारे जीवन में एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो सब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के द्वारा होते हैं और हमारी इंद्रियां हमको देती, मन बुद्धि चित्त, मन बुद्धि अहंकार के अंदर के एक्सपीरियंस। भगवान कहते जीव भूत है, हर एक शरीर के अंदर में जीव भूत होकर के हर एक शरीर के अंदर में निवास कर रहा, ये एदम धारयते जगत, और जिसके द्वारा सारा संसार धारण किया जाता है। अभी आप देखो एक कैसा कॉन्शियस है, चैतन्य। तो जड़ भी परमात्मा का स्वरूप है, चेतन भी परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर चैतन्य है, ये बात सही है, लेकिन जड़ भी ईश्वर का ही रूप है, ये बात भी सही है। जड़ ईश्वर से अलग कोई सत्ता नहीं रखता, जड़ भी ईश्वर का ही स्वरूप है, जीव भी ईश्वर का ही स्वरूप है। जैसे बहुत प्रकाश होता है, तब जो रेती होती है उसमें पानी दिखाई पड़ने लगता है, जब शीशे के आगे आप खड़े होते हैं, शीशे में आपका प्रतिबिंब पड़ता है, क्योंकि शीशे का स्वभाव वो है। ऐसे ही परमात्मा जब ठीक तरीके से नहीं जाना जाता है, ठीक तरीके से नहीं देखा जाता है, तो वो दो तरह से दिखाई पड़ता है, या तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार के रूप में, या कि चैतन्य
जीवात्मा के रूप से। तो भगवान कहते अर्जुन, ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा क्या करता है, संसार को धारण करता है। एदम धारयते जगत, संसार को धारण करता। कैसे धारण करता है? जैसे कोई व्यक्ति 100 साल जिंदा रहता है, शरीर बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद थोड़े समय के बाद में बॉडी जो है टूटने लगती है, थोड़े समय के बाद बॉडी खत्म होने लगती, टूटने लगती, क्योंकि बॉडी को धारण करने वाला निकल गया। तो जैसे एक व्यक्ति की बॉडी, उसके अंदर से चैतन्य निकलने के बाद धीरे धीरे बिखरने लगती है, अब इसी प्रकार आप थोड़ा और विचार आगे करिए। ये जो पेड़ है, पेड़ भी बहुत समय तक हरा भरा इकट्ठा है, इसके अंदर भी कोई चैतन्य है, जीवात्मा है। जब वो निकल जाएगा, धीरे 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 उसकी भी टूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारी जो धरती है, इस धरती के अंदर भी एक चैतन्य है, जीवात्मा है, जिसके कारण धरती जुड़ी हुई है। जब वो निकल जाएगा, धीरे 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 धरती भी बिखर जाएगी। ऐसे ही सूरज के अंदर, ऐसे ही आकाश गंगा के अंदर, और ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड के अंदर में एक चैतन्य है, जिसके कारण पूरा एकदम धारयते जगत, उसने सारे संसार को धारण किया हुआ है। जैसे वह निकल जाता है, ये सब बिखरना शुरू हो जाता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जीव भूत होकर के, जीवात्मा की तरह साथ रह करके, यह मेरा दूसरा एक्सप्रेशन है, जो मेरी परा प्रकृति है। इसके आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।